बीपीएससी की बहाली हुई है उसकी पूरी जांच सीबीआई और हाईकोर्ट मॉनिटरिंग के अंदर हो, और इसकी जांच मैं बार बार कह रहा हूं कि जाति जनगणना, जबकि अभी मुद्दा नहीं था, नीतीश जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया मैं कराऊंगा, तो फिर बीपीएससी जैसे प्रमुख मुद्दों को दिग्भ्रमित सत्ता पक्ष और विपक्ष क्यों कर रही, टीचर वाले में और स्वास्थ्य से लेकर के अभी तक, तो आप जांच में क्या दिक्कत है, आप सस्पेंड किए जा रहे हैं, कंट्रोलर कौन बनाता है, तो यदि वो दागी था तो कंट्रोलर किसके कहने पर बना और किसने बनाया, और दागी था तो फिर वहां पर सेंटर किसने दिया, सेंटर प्रिंसिपल अपने तो नहीं ले लिए, तो जो इसके पीछे बड़ी बचली है, चाहे चेयरमैन हो चाहे एजुकेशन जिनका कोचिंग चलता हो, लगभग आईएएस आईपीएस जो एजुकेशन में ऐसे जगह है वो बाहर में कोचिंग भी चलाते हैं, ये कोचिंग माफिया, रंजीत जी का भी कोचिंग, तो कोचिंग माफिया और पदाधिकारी लोगों की मिलीभगत से जो आज बिहार के युवाओं की जिंदगी हराम में भी विश्वासघात किया, नंबर वन बिहार के विशेष राज पर विश्वासघात किया, नंबर दो बिहार को विशेष पैकेज पर विश्वासघात किया, नंबर तीन बिहार के पलायन को लेकर के चाहे एजुकेशन का हो चाहे मजदूर का हो उस पर विश्वासघात किया, नंबर चार और जाति जनगणना पर इन लोगों ने विश्वास किया, नंबर पांच क्या कोई जवाब है बिहार के विशेष राज से लेकर विशेष पैकेज से लेकर के जाति जनगणना तक, शॉर्ट सर्किट में एक रूम या कुछ जगह आग लग जा सकता है, दबा हुआ जितनी फाइल है उसमें आग लगने में भी देर लगेगी, तीन दिनों तक आग का नहीं बुझना, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किरोसन तेल डीजल या पेट्रोल की वहां पर की उपयोग किया गया है, जल नल योजना से लेकर के पीडब्ल्यूडी आरयू कई विभागों की फाइल जो लगातार भ्रष्टाचार से लिप्त पदाधिकारी और नेता उसमें इन्वॉल्व थे उसकी संदिग्ध भूमिका है, और उसकी भूमिका की जांच हम सीबीआई से चाहते हैं। इसके पहले भी तीन तीन बार आग लग चुकी है कई सेक्रेटेरिएट में, और यह आग भी भारत के सभी स्टेटों में कभी इतने बड़े पैमाने पर तीन तीन चार चार बार नहीं लगी, बिहार में ही क्यों तीन तीन चार चार बार सेक्रेटेरिएट में आग लगी, आग रात में तो लगी नहीं, दिन में लगी, तो दिन में क्या सेक्रेटेरिएट के अगल बगल कोई दमकल कोई चीज नहीं थी, जब हम एक सेक्रेटेरिएट को नहीं बचा सकते हैं तो फिर पप्पू यादव का सीधा है कि आप बिहार कैसे बचा सकते हैं। डीएनटी न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।